नमस्कार, बीपीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मकान ढलाई के दौरान बिजली तार की चपेट में आए कई मजदूर, दो की हुई मौत। मामला बेला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का। जदयू अति पिछड़ा सम्मेलन में जुटी हजारों की भीड़, नीतीश कुमार के समर्थन में भरी गई हुंकार। विधायक अमरनाथ गामी ने स्वागत बैनर तो लगाया, मंच से रहे दूर। और निबंधन कार्यालय में 32 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक वेटिंग हॉल जनता को समर्पित, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। देश की समृद्धि, कौशल दक्षता जैसी समस्याओं के निदान के लिए कौशल प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की सहभागिता अनिवार्य है। भारत सरकार के NCVCT बोर्ड से मान्यता प्राप्त दरभंगा का एकमात्र संस्थान दरभंगा ITI फीटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही कंप्यूटर, लोको पायलट टेक्नीशियन एवं अन्य कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। शहरनगर स्थित दरभंगा ITI में नामांकन प्रारंभ है। किस बात की देरी, आज ही अपने बच्चों का भविष्य करें उज्जवल। दाखिला दिलवाएं दरभंगा ITI में। निदेशक देवेंद्र झा, नामांकन के लिए संपर्क करें 7070936007, 7070936008, 7070936009। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा कॉन्वोकेशन कम्युनिक द 10th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ द ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा शैल बी हेल्ड ऑन 12th of November 2019 एट डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस डिजायर टू रिसीव देयर डिग्री इन पर्सन एट द कॉन्वोकेशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनली थ्रू ऑफलाइन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस फ्रॉम 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hour positively. Name of the examinations: MA/MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd examination 2019, MBA examination 2019, PhD D.D. examination result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application from requisite fee and other detail can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. और अब समाचार विस्तार। मकान की छत ढलाई में कार्य कर रहे मजदूर की करंट लगकर मौत हो गई। दो मजदूर इसके शिकार हो गए और कई घायल हो गए। बिजली के चपेट में आ गए ये मजदूर जब एक मकान की छत का ढलाई चल रहा था। मामला बेला मोड़ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। अलीनगर मौलागंज बेला मोहल्ला में एक बिजली का तार बांस के सहारे जा रहा था, जहां वह टूटा और सीधे मशीन पर गिर गया, जिसकी चपेट में आधा दर्जन मजदूर आ गए। दो की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और कई अभी भी खतरे में। मकान की ढलाई करने गए मजदूरों पर बिजली का तार गिरा और उसकी चपेट में आ गए आधा दर्जन मजदूर। मामला बेला के पास का है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में है, और इसमें दो मजदूरों की जान चली गई। मजदूर की अचानक हुई मौत की खबर सुनते ही उसके गांव खुटवाड़ा से लोग दौड़े हुए आए। जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लोग रोते बिलखते वहां पहुंचे। मालूम रहे कि मकान की ढलाई के दौरान बगल से बिजली का तार बांस के बल्ले पर गुजर रहा था, जो टूटा और सीधे मशीन पर गिर गया, जहां उसने मजदूरों को अपने चपेट में ले लिया।
दो की मौत हुई, जिसमें एक कमलेश कुमार जो सदर थाना क्षेत्र के खुटवाड़ा का है, दूसरा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अली नगर मोहल्ले का अजय दास। और प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम तीसरा घायल जो केवटी महेश पट्टी का है, दिनेश यादव की भी मौत की सूचना है। इस तरह इस करंट ने मकान ढलाई के दौरान तीन लोगों को लील लिया है, दो अन्य घायल हैं। हम आपको पुनः बता दें, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला में मकान ढलाई का काम चल रहा था, जहां बिजली के तार ने चपेट में ले लिया इन मजदूरों को, तार गिरा और उसके बाद करंट आ गया जो ढलाई की मशीन है उसमें, और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। खुटवाड़ा से लोग दौड़े, लोग बेला दुल्ला जो अली नगर है वहां से दौड़े, और तीसरी सूचना आ रही है दिनेश यादव जो महेश पट्टी के केवटी के हैं, उनकी भी मौत हो गई है। इस संदर्भ में पुलिस ने मकान मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अब छानबीन की जा रही है कि किस तरह मकान बन रहा था, गली में मकान था और बिना नक्शा का बन रहा था, कागजात कितने थे, किस तरह से मजदूरों को लाया गया था, सुरक्षा के मानक कोई उपाय किए गए थे या नहीं, इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोहराम मचा हुआ है, जहां तीन परिवार के मुखिया की जिंदगी लील ली और यह बदइंतजामी का नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरह बांस के सहारे टोका लगाकर बिजली का तार ले जाया गया था। कमलेश का यह घर, यह खुटवाड़ा का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जैसे ही सूचना मिली उसकी मौत की, घर में कोहराम मच गया। दुल्ला में हुआ था, ठीक है, मशीन खेल रहा था, मिक्सर मशीन, तार जो है दीवार में सटा हुआ था, तो तार में जो है मिक्सर मशीन वाला एंगल जो है उसमें सट गया, ठीक है, चपाने के बाद जो करंट लगा उसको। क्या वो आदमी को करंट लगा? उसमें तीन आदमी को करंट लगा, तीन आदमी में से तीनों आदमी तो वहीं पर अति था, बेहोश था साफ है। अब तीन आदमी में से एक आदमी तो मर गया है, दो आदमी को हम बता नहीं सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। ये जो मर गया उसका क्या नाम था? इसका नाम है अजय। ये मिस्त्री था कि क्या था? लेबर था। तो ये कहाँ काम चल रहा था? बेला दुल्ला। क्या चीज का काम चल रहा था? ढलाई हो रहा था, छत का ढलाई होता आज। तो आप लोग का क्या, किसके अंडर में था, ठेकेदार के अंडर में था या कौन ले गया था? इंजीनियर साहब का, मकान मालिक है, इंजीनियर साहब का अंडर में ठेकेदारी है। अच्छा, उसका जो है ठेकेदारी करने वाला जो अलग से, ढलाई करने वाला आता है ठेकेदार अलग से, वो आया था मित्र मशीन लेकर। तो ये इंजीनियर साहब के आदमी है? हाँ, ये जो मरा है सो इंजीनियर साहब के अंदर में काम। इंजीनियर साहब का क्या नाम है? संतोष। तो ये वहीं उस खत्म हो गया कि कहाँ? वहीं पर हमको बुझा था, खत्म हो चुका। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार चौपा। क्या है आप? दिनेश कुमार चौपा। आप क्या काम करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं। सुबह में कुछ मजदूर लोग ठेकेदार के संग आए थे, आज मकान का ढलाई था, उस ढलाई क्रम में मेन रोड से गली के अंदर मशीन को ले जाया जा रहा था, उसी क्रम में आपका जो मोटा वायर गया हुआ पोल से उनके मकान तक, वो मशीन में रगड़ा खाने के कारण उसका ऊपर का जो परत है वो प्लास्टिक का, हटने से मशीन के अंदर विद्युत प्रवाह हो गया, जिससे दो तीन मजदूर घायल हो गए, शायद उनको हॉस्पिटल ले गया है। तीन गाँव, तीन मजदूर और सुरक्षा में चूक हुई, जान गई, और बिना मानक के, बिना सुरक्षा के इस तरह से अकुशल मजदूरों से कार्य कराना भारी पड़ा, एक तरफ मकान मालिक को तो दूसरी तरफ तीन परिवार उजड़ गया। व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं करने का यही अंजाम होता है। और इस संदर्भ में विश्वविद्यालय थाना में मकान मालिक और ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। जदयू अति पिछड़ा सम्मेलन संपन्न हुआ दरभंगा राज मैदान में। जदयू के वरिष्ठ नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह यहां पधारे, कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे, हजारों की संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने हुंकार भरी, नीतीश कुमार को फिर एक बार गति देना है, जदयू और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विजयी बनाना है। हालांकि इस बैठक में काफी तैयारी हुई थी, जदयू विधायक अमरनाथ गामी और जदयू के जिला अध्यक्ष के बीच तानातानी के बीच अमरनाथ गामी के होर्डिंग बैनर तो लगे, लेकिन अमरनाथ गामी मंच पर नहीं।
दरभंगा राज मैदान में जदयू का अति पिछड़ा सम्मेलन संपन्न हुआ। मौसम की लुका छिपी के बीच अति पिछड़ा सम्मेलन की तैयारी में तो लोग लगातार एक सप्ताह से लगे हुए थे और उस उम्मीद में भीड़ भी जुटी, महिलाओं की संख्या भी अधिक थी। भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर जदयू ने अपने बलबूते भीड़ जमा कर यह एहसास करा दिया कि जदयू कितना सक्षम है। कार्यकर्ता से लेकर आम जनता तक में उसकी पैठ है। और इस मौके पर रामचंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद मौजूद थे बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ कर करके जदयू में आए मोहम्मद अली अशरफ फातमी, गोपाल मंडल इत्यादि। महिलाओं की भी अच्छी संख्या थी। जदयू नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में हुंकार भरा लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनके नाम पर मुहर लगाई कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया। 2005 से जो पटरी पर उतरा हुआ था बिहार, उसे बदला। विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जदयू में नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अति पिछड़ा के मसीहा हैं। लगे हुए हैं, है ना ये बड़ी बात। कलेक्टर की नौकरी सबको आसानी से नहीं मिलती है, तो एक बार आदरणीय श्री रामचंद्र प्रसाद जी के नाम पर जोरदार ताली बजाने का काम करेंगे। तो अंत में आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में अपनी सेवा देने वाले आरसीपी सिंह रामचंद्र प्रसाद सिंह के सम्मान में जोरदार तालियां बजी। तुम पूछते थे कि दरभंगा में संगठन हमारा और कैसे मजबूत हो सकता है, अपने साथियों से पूछते थे, तो सब कहते थे अगर फातमी साहब आ जाए तो हम लोग का संगठन बहुत मजबूत है। और आज फातमी साहब ना सिर्फ आ गए हैं, आपके सामने सब बातों को रखा और सबसे अच्छी बात क्या कहा कि आगे आने वाले समय साल भर में ये कम से कम 200 सभाओं को संबोधन करें। निश्चित रूप से इससे हमारी कल वहां है, लेकिन आज तो यहां आज ही है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे पूर्व वक्ताओं ने रख दिया, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, सम्मानित हमारे मंत्री जो मदन सहनी जी, देखिए एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जरूर आपको हमारे नेता ने जो काम किया उसको देखिए जरा। नीतीश बाबू ने जो आरक्षण दिया खास करके पंचायती राज में और स्थानीय निकाय, 2006 में जो उन्होंने नींव डाला, जो बीज बोया, आज देखिए सामने कितना बड़ा पेड़ आपके सामने खड़ा है। उसी आरक्षण के बदौलत मदन सहनी जी जिला परिषद के सदस्य बने, उसके जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष बने, और चूंकि हमें नेतृत्व क्षमता आ गया और जब हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी को मौका मिला, हम लोगों ने विधायक का टिकट दिया, ये विधायक बने और आज मंत्री। किस तरह आरक्षण की नींव से इतना बड़ा पेड़ है, जीता जागता उदाहरण है मदन सहनी, जो जिला परिषद के सफर से आज मंत्री के पद पर हैं। और यह नीतीश कुमार के आरक्षण की देन है, और यह एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण है, कहा आरसीपी सिंह ने। जब जब चुनाव हुए हैं और जो परिणाम आए हैं, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव, जिसके पक्ष में अति पिछड़ा होता है, जीत उसी की पक्का होती है। और आज हम देख रहे हैं कि आप इस बदलाव करने में तो सक्षम हैं, और कितने को बदल दिया आपने, जो 15 साल की चर्चा सभी साथी करते हैं उनको भी आपने बदल दिया। 15 साल के गंगा राज को भी आपने ही खत्म करने का ताकत दिखाया, लेकिन जब आपकी बारी अपनी बारी आती है
तो आज आप गर्मी से डर जाते हैं। लगता है दूसरे को हिलाने वाला ये अति पिछड़ा भाई खुद आज हिल चुका है। इसलिए अगर आप में ताकत है और हम अति पिछड़ा मजदूर हैं, किसान हैं, मेहनत कश लोग हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम धूप पानी से डरने वाले लोग नहीं हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सबसे भरोसेमंद अति पिछड़ा है हमारे नेता आर सी सिंह की सबसे पसंद अति पिछड़ा भाई यहाँ उपस्थित है। उस समय किस परिस्थिति में कैसा बिहार था और कहाँ से काम करना शुरू किया? ठीक बोल रहे थे मदन जी, जो पहला डिसीजन उन्होंने लिया वो अति पिछड़ा को पंचायत में आरक्षण देने का था। और कोई रिसर्च करके देखे कि कितना मुखिया, कितना पंचायत समिति, कितना जिला परिषद अध्यक्ष, जो पूरा का पूरा लीडरशिप है अति पिछड़ा में 2005 के बाद बनना पूरा बिहार में शुरू हुआ। और इसी चुनाव में जो पिछला चुनाव पार्लियामेंट का हुआ है 17 में 5 सीट अति पिछड़ा समाज को दे करके नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया। और चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे उनको और तरीके से नौकरी में आरक्षण देने की बात हो, उनको और विधानसभा में अभी बता रहे थे जो आने वाला चुनाव है उसमें उनको सीट देने की बात हो, वो बिल्कुल नीतीश कुमार हमेशा अति पिछड़ा का अगर इस देश में सबसे बड़ा आवाज, सबसे बड़ा उनके हक के लिए आवाज लगाने वाला कोई नेता है तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार है। कुल मायनों में जदयू का अति पिछड़ा सम्मेलन एक तरह से जदयू नेता को, स्थानीय नेता को और आयोजकों को ताकत दे गया। भीड़ देखकर लोग गदगद हुए। हालांकि जब नेताओं की बात करें तो इसमें जो कभी राष्ट्रीय जनता दल की शोभा बढ़ाते थे, गोपाल मंडल, मदन सहनी, अली अशरफ फातमी, पहले सबसे पहले मदन सहनी गए। जिला परिषद सदस्य से लेकर मंत्री तक का सफर गोपाल मंडल स्थानीय तौर पर सक्रिय अति पिछड़ा की राजनीति में, और अली अशरफ फातमी आधा दर्जन बार संसदीय चुनाव लड़ने वाले और संसद से लेकर केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले अली अशरफ फातमी आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुंकार भरते हुए और शोभा बढ़ाते हुए नीतीश कुमार के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चलने वाले संजय झा और आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों के बीच हुंकार भरी, कहा नीतीश कुमार ही अति पिछड़ा के सबसे बड़े हिमायती हैं। मालूम रहे कि एक साल पहले इसी राज मैदान में जदयू का एक सम्मेलन में कुर्सियां खाली रह गई थी जिसकी काफी किरकिरी उड़ी थी और इस बार आयोजकों ने फूक फूक कर कदम रखा और अच्छी खासी भीड़ जमा कर ली। मदन सहनी बारीकी से लगातार इस पर नज़र रखे हुए थे। आयोजक की भूमिका उन्होंने अपने साथियों के साथ बखूबी निभाई और सम्मेलन सफल होने पर सभी को धन्यवाद दिया। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। गुप्त सूचना के आधार पर मब्बी ओपी पुलिस ने शनिवार को कमतौल पथ के पास साबुन में छिपाकर ले जा रहे शराब, भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की। इसमें बर्तन धोने वाला साबुन आगे रखा गया था, शराब का बोतल पीछे। गुप्त सूचना के आधार पर मब्बी ओपी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। ट्रक में साबुन के बीच शराब की बोतलों को छुपा कर लेकर जाया जा रहा था। ट्रक के आगे बर्तन धोने वाला साबुन लदा हुआ था और उसके बीच में अंग्रेजी शराब की हाफ फुल और क्वार्टर साइज में बोतलें छुपा कर रखी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर मबी पुलिस ने ट्रक के साथ ही शराब को जब्त कर लिया। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। 32 लाख रुपए की लागत से बने आधुनिक प्रतीक्षालय का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने निबंधन कार्यालय में किया। दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया और कहा कि अब जो रजिस्ट्री कराने आएंगे लोग उन्हें काफी सुविधा मिलेगी।
और उनके बैठने इत्यादि की जगह यहाँ बनाई। दरभंगा निबंधन कार्यालय लगातार सरकार को अच्छा राजस्व देता रहा है और यहाँ जमीन रजिस्ट्री कराने वाले, जमीन रजिस्ट्री करने वालों को सुविधा देने की मांग होती रही है, यथासंभव सुविधा दी भी जाती रही है, लेकिन कई लोगों को अब भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, कठिनाई होती थी। इसी के संदर्भ में प्रशासन ने प्रतीक्षालय बनाने का निर्णय लिया था, जिसे आज लोगों को समर्पित कर दिया गया। 32 लाख रुपए की लागत से बने इस प्रतीक्षालय का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने किया। इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्रतीक्षालय में जीविका समूह द्वारा एक अल्पाहार गृह भी खोला गया है। 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस मौके पर अवर निबंधक मनिंद्र नाथ झा भी इन लोगों ने स्वागत किया आगत अतिथियों का और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक ढंग से सुसज्जित 72 लोगों के बैठने की जगह और बिल्कुल हाईटेक अंदाज में 32 लाख रुपए की लागत से बनाया गया यह प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। निबंधन कार्यालय में जो आते हैं जमीन खरीदने या बेचने, उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था और ऐसे में परेशानी होती थी सुबह से शाम या फिर दूसरे दिन। इसी के मद्देनजर इस प्रतीक्षालय का निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया शनिवार को। का उद्घाटन हुआ है प्रतीक्षालय, एक 32 लाख के लागत में एक भवन बना है जहां पर लोग बैठ सकेंगे आराम से, अपने समय जो दिन भर का लगता है कभी कभी वो बिता सकेंगे, और वहां पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगा जहां पर वो देख करके अपने बारी के लिए इंतज़ार कर सकेंगे। एक सम्मानित रूप से लोग बैठने का एक जगह बनाया गया है फर्नीचर के साथ, और वहाँ पर जीविका को भी हमने एक कैंटीन खोलने के लिए निर्देश दिया था, तो वो कैंटीन भी खुला है ताकि लोगों को जो अल्पाहार का भी व्यवस्था वहाँ पर हो सकेगी और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, जीविका का भी रोजगार। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी, नस, स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका है? जाएं श्री विश्वदानंद हॉस्पिटल और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बेहतर चिकित्सा हेतु उपलब्ध सुविधाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा, सुषमा शिखा, रामजी ठाकुर, मनीष कुमार, ईदगाह रोड बेता के निकट महारानी कल्याणी कॉलेज एवं नागेंद्र झा महिला कॉलेज। मोबाइल नंबर 9135915838 9437122570। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेजिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20। कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006, 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मकान ढलाई के दौरान बिजली तार की चपेट में आए कई मजदूर, दो की हुई मौत। मामला बेला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का। जदयू अति पिछड़ा सम्मेलन में जुटी हजारों की भीड़, नीतीश कुमार के समर्थन में भरी गई हुंकार। विधायक अमरनाथ गामी ने स्वागत बैनर तो लगाया, मंच से रहे दूर।
और निबंधन कार्यालय में 32 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक वेटिंग हॉल जनता को समर्पित जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। हम बढ़ते हैं आगे लेकिन पैसे कुछ आने का। छात्र छात्राओं का उत्तम भविष्य उनकी हाथों में होता है। उक्त बातें शाहिद अतहर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमाइंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ने वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दरभंगा में पहले बैच के शुभारंभ कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हुए कहा। इस अवसर पर शाहिद अतहर ने छात्रों से बेहतर भविष्य के बनाने के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जिस रफ्तार से संसार की जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से नित नए दिन भिन्न प्रकार की बीमारी आती जा रही है, इसीलिए छात्र छात्राओं की रुचि भी डॉक्टर इंजीनियर बनने में ज़्यादा हो रही है, परंतु आप इस बात को भूल रहे हैं कि एक मरीज को उत्तम उपचार देने के लिए उत्तम ऑपरेशन टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑपरेशन टेक्नीशियन जैसे इत्यादि बेहतर ज्ञान प्राप्त टेक्नीशियन की भी बहुत आवश्यकता है। अगर उत्तम जानकारी और तजुर्बा आपको नहीं होगा तो आप सही जांच नहीं कर पाएंगे, जिससे रिपोर्ट भी सही नहीं बनेगी और मरीज का भी बेहतर उपचार नहीं हो पाएगा, जिससे मरीज के जान को अधिक खतरा भी हो सकता है। वीवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई, प्रैक्टिकल साथ लाइव क्लास एवं डॉक्टरों के साथ भी सेमिनार करके ज्ञान प्राप्त करेंगे एवं चिकित्सा जगत में नाम रोशन करेंगे। दलित महिला की बलात्कार व जगन हत्या के खिलाफ सोबनगांव में आक्रोश सभा का आयोजन किया। दलित महिला की बलात्कार व जघन्य हत्या के खिलाफ सोबनगांव में आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। कोई से भी हमदर्दी नहीं है, वो हमदर्दी का प्रदर्शन जिस रूप में कर रहे हैं, लेकिन जब ठोस होने लगेगा कि गरीबों के असली पर दर्द कौन है, ये भी लोग सामने नहीं आएंगे। और आशा देवी की घटना ने यह प्रमाणित कर दिया दरभंगा में कि यहाँ चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी ने पीड़ित परिवार से हमदर्दी जताने आशा देवी हत्याकांड के दोषियों को सजा मिले, इस सवाल पर आज भाकपा माले का आक्रोश सभा सोबनगांव में संपन्न हुआ है। आक्रोश सभा से ये फैसला लिया गया है कि 26 तारीख को दरभंगा के SSP के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और दोषियों को बचाने वाले जो सिमरी थाना अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई हो, आशा देवी के परिजन को इंसाफ मिले, यही आक्रोश सभा से आज फैसला। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। विश्व शांति दिवस के अवसर पर अमेजन वर्षावन में लगी आग को बुझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा निकाला गया विश्व शांति मार्च डे भी स्कूल। विश्व शांति दिवस के अवसर पर अमेजन वर्षावन में लगी आग को बुझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा निकाला गया विश्व शांति मार्च DAV स्कूल से। सीखने को मिला है कि हमें वर्ल्ड पीस होना चाहिए और किसी मतलब कोई भी पीपल लालची काम ना करे और सब शांति का प्रे करे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर हम वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वावधान में DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा झांकी निकाली गई है और आज दुनिया में अमन चैन शांति की आवश्यकता है। पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित सब कुछ, सारी प्रकृति खुशहाल हो, शांत हो, संपन्न हो, कहीं किसी प्रकार का व्यवधान न हो, लोग खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकें। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदकों ने धरना। ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया कार्यालय के समक्ष।
दीवार वापस लो, दीवार वापस लो, वापस लो, दीवार वापस लो, वापस लो, वापस लो, दीवार वापस लो, वापस लो, वापस लो, संवेदक संघ जिंदाबाद। मांग यही है कि सब सर्वप्रथम हम लोगों को दीवार अभी जो किया गया है उसको तुरंत शिथिल किया जाए और सबसे पहले अनुरक्षण कार्य करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जाए। 30 नवंबर तक जब हम लोग कार्य कर दें उसके बाद इंस्पेक्शन टीम आए, हम लोगों के सड़क का मुआयना करे, मुआयना करने के बाद अगर कोई संवेदक फिर भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसे डिबार किया जाए, उसे रिसाइन किया जाए। उसके बाद की प्रक्रिया यही नहीं, इसके साथ पूर्व में जितना काम कराया गया है अनुरक्षण का कृपया उसका भुगतान किया जाए। तो आप लोग का अभी कार्य चल रहा है या बंद क्यों? नहीं, अभी तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन एक दो दिन के अंदर बंद कर देंगे। संवेदक ऐसे हैं जो धरना में शामिल हैं। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की 106वीं जयंती समारोह मनाई गई। अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद की ओर से यह कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का 106वीं जयंती समारोह मनाया गया। अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद की ओर से जिला परिषद के सभागार में। अखिल भारतीय दुसाद उत्थान परिषद जिंदाबाद। सभी सजातीय कर रहे हैं और 106वां समिति मना रहे हैं। भोला पासवान की तरह जहाँ भोला पासवान जी तीन बार मंत्री रह चुके हैं और उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। यही भोला पासवान जी मुख्यमंत्री रह चुके थे इसलिए उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनके भोला पासवान से। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के शिक्षक सम्मान मान समारोह का आयोजन किया गया शनिवार को बुढ़वाइन स्कूल के सभागार में। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर निगम के आयुक्त घनश्याम मीना। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की शाखा की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया उड़वाइन मॉडर्न स्कूल के सभागार में। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद थे। अतिथियों का स्वागत एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस ए आबदी ने किया। सभी अतिथियों को गुलाब फूल देकर इंजीनियर खुर्शीद आलम, राघवेंद्र कुमार, मनोज कुमार, पंकज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर एम एच खान, राजू, निर्भय कुमार ने आसन ग्रहण करवाया। आगत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत उड़वाइन मॉडर्न स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। इससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत बिठौली चौक पर संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल न्यू चिल्ड्रन अकेडमी नाजमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के द्वारा किया गया, जबकि सोभन मोड़ पर डीपीएस कमतौल मदर्स केयर स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे डायनेमिक पैट्रन्स पासवा के डॉक्टर लाल मोहन जी, माइकल सर, मदोना मैम जो हमेशा साथ देती हैं और टाइम टू टाइम अपना मशवरा देती हैं, हम उनके भी
दिल के गहराई से उनका इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर से नसरीन भाभी जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए जो तैयारी की है काबिल तारीफ, जितनी भी इनकी तारीफ। चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का शिक्षक सम्मान समारोह, इसमें 2000 से ज़्यादा दरभंगा के टीचरों को सम्मानित करने आया, और इसकी शुरुआत 2011 से हमने की। अभी तक पूरे बिहार और देश में 50,000 से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित किया गया है, और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पहले सरकारी स्कूलों को टीचरों को सम्मानित किया जाता था और प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को कोई सम्मान नहीं मिलता, लेकिन आज देश के कोने कोने में प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन सम्मानित करता है। इससे उन टीचरों का मनोबल बढ़ता है और वो और अच्छा करने का काम करते हैं। 15 सितंबर को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में 3,000 टीचरों को हमने सम्मानित किया था, और उसके बाद जिला भर के सभी 400 जिलों में शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू हो गया। उसी कड़ी में आज दरभंगा में आया और कल मैं फिर सासाराम चला जाऊँगा। शमायल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन। सम्मानित करने का जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होता है पूरे कंट्री के डेवलपमेंट में, क्योंकि जो भी यूथ है उन्हीं के द्वारा ट्रेन किया जाता है। तो आज ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि भाई जो भी हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे टीचर्स हैं जो और स्कूल्स के हैं वो इससे मोटिवेट होंगे, और जो हमारे बच्चे हैं उन पर और अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, जिससे जो भारत का उज्ज्वल भविष्य निर्माण होगा, और साथ ही हमारे समाज का, हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं उनका भी सर ऊँचा होगा। तो सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। मकान ढलाई के दौरान बिजली तार की चपेट में आए कई मजदूर, दो की हुई मौत। मामला बेला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का। जदयू अति पिछड़ा सम्मेलन में जुटी हजारों की भीड़, नीतीश कुमार के समर्थन में भरी गई हुंकार। विधायक अमरनाथ गामी ने स्वागत बैनर तो लगाया, मंच से रहे दूर। और निबंधन कार्यालय में 32 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक वेटिंग हॉल जनता को समर्पित, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी। पुनः मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।